इधर ये भाई साहब सिखा रहे हैं कि किचन के वॉश बेसिन में फंसा हुआ कचरा कैसे साफ करते हैं। ठीक है, चम्मच लो और सबको बटोर लो। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद नहीं नहीं देख लो लड़कियों, इसलिए लड़कों को किचन से दूर रखा जाता है। बिल्कुल सही। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई कोई लड़की मेरे को पसंद क्यों नहीं करती, जबकि इनकी हरकतें ऐसी होती हैं। क्या था ये? नंबर 19, लड़का हो और गड्ढों में घुसने का शौक ना हो ऐसा वैसे हो नहीं सकता, पर इधर इस मोटू को गड्ढों में घुसने का शौक नहीं बल्कि चस्का है। वैसे बड़े बड़े शहरों में ना ऐसे गड्ढे बहुत मिल जाएंगे, इनसे सावधान रहना भाइयों, वरना जिंदगी बर्बाद कर लोगे। बिल्कुल। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। इधर इस बंदर को ये कुत्ता जान से मारने की धमकियां दे रहा था, बंदर ने भी बड़े प्यार से बोल दिया, ले भाई। नंबर 18, एक धीवरा गोबर में गया, छपाक। अच्छा, आजकल शादियों में रोटी मिल पाना उतना ही कठिन हो गया है जितना खूबसूरत लड़कियों में दिमाग मिलना होता है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी हमको बहुत ही कोशिश करना है। कौन था यू? क्या था यू? ऊपर से ऐसे चोर और आ जाते हैं। वैसे खटाक से रोटी पाने की निंजा टेक्निक बुरी नहीं है। सही बात। नंबर 17, कुछ लोग जानवरों को खिलाते हैं ताकि मन को सुकून मिले, कुछ लोग खिलाते हैं ताकि सोशल मीडिया पे लाइक और फॉलोवर मिले। हमारे भाई भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे। हाथी भाई ने एक बार में औकात दिखा दी। बड़ी फेल लगी। हाय, क्या हंसी फिजा है इंतजाम की, क्या हंसी फिजा है इंतजाम की। वाह वाह। अत्री ओ तेरी बहन की लड़की। इश्क है तो इश्क का इजहार है। राजा व्लॉग्स ना। नहीं, मुझे ये बताओ कौन सा दूल्हा नेल पॉलिश लगाता है? और भाई कम से कम सुहागरात पे तो रील्स मत बना। मेहंदी भी लगाई जाती है। कितना बीवी से कंटेंट निकालना है। नेल पॉलिश भी लगती है। 16, चाहे कितनी भी गरीबी और बुरे दिन आ जाए, भैया मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। इधर शेर के बच्चे की फोटो खींचकर कालिया पतली गली से निकल ही रहा था कि अलैकुम अस्सलाम। तू बेटे की खींच के जा रहा था, बाप मिल गया। नंबर 15, इधर इस चिंपांजी को प्यार हो गया है। वाह, इसीलिए गोल गोल घूम रहा है। बेचारा। सही बात है, जब तक ठोकर नहीं लगती भैया बुद्धि नहीं आती। अच्छा, कुछ व्लॉगर ऐसे हर जगह होते हैं जो रात के अंधेरे में व्लॉगिंग करते हैं, इनको किसी चीज से डर नहीं लगता। ओ मेरी नानी। लगता है भाई, डर तो लगता है, छिपकली से लगता है। नंबर 14, हेलो, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। कोच के डायरेक्ट मुंह पर मारा है डंडा। नई कार लेने का सपना आंखों में नंगा नाच करने लग जाता है। किस्मत का नहीं रे लाला, सब मेहनत का खेल है। अबे साले। पर भाई ऐसे भी डिलीवरी नहीं लेना थी। अच्छा, जानते हो प्रेगनेंसी के वक्त खट्टा क्यों खिलाते हैं? क्यों? ताकि औलाद कहीं मीठी पैदा ना हो जाए। मम्मी। हाँ जी। मम्मी आपकी? ये मेरे भाई है। ओ,
आंटी जी, आज की जनरेशन में इतना भोला होना गैर कानूनी है। आपकी मम्मी है क्या? उन्हें नहीं पता है। इधर छोटे छोटे बच्चों की बॉक्सिंग चल रही थी। भाई साहब इनसे रिकॉर्ड तोड़वाने की बजाय कुछ और तोड़वा बैठे। अच्छा, शहर के बच्चे फुटबॉल खेलते हैं ताकि वो मैसी और रोनाल्डो की तरह बने। वैसे अपने गांव वालों को भी कुछ कुछ बनना है। हाँ। देख लो तो फुटबॉल क्यों बन रहे थे? रोनाल्डो बनेंगे आईपीएल में जाएंगे। अच्छा, रोनाल्डो बनोगे आईपीएल में? रोनाल्डो और तुम क्या बनना चाहते हो? मौसी। मौसी बेचारों को नाम भले ढंग से ना पता हो लेकिन इंस्पिरेशन है उनके अंदर। रोनाल्डो इंस्पिरेशन है। अरे बच्चे, ये कैसी ड्राइंग बनाई है? अच्छा, साइकिल बनाई है। ठीक है, उल्टा पकड़े थे शायद, गलती आपकी है। इधर कबूतर भाई चोरी करके खुद को 30 मार खान का 1-4 समझ रहे थे। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। नंबर 10, सर अल्बर्ट आइंस्टीन का फेवरेट पोज जानते हो कौन सा था? ये वाला। पर इनका अगला जन्म इतने जल्दी हो जाएगा ये नहीं मालूम था। पिछले जन्म में जितने बड़े ज्ञानी थे, इस जन्म में उतने ही बड़े बकलोल पैदा हुए।